सो हेलो गाइस, मैं हूं आपके पेड़ दोस्त है। वेलकम टू हेज फनलैंड। एंड अभी तो मैंने दो वीडियोस तो हॉरर के ऊपर ही बना दिया है, तो मैंने सोचा कुछ फन गेम भी बनाया जाए, कुछ फन स्टोरी भी बनाया जाए पेट के रिलेटेड। तो आज हम लोग खेलने वाले पेट स्टोरी, लेकिन मैं मतलब तीन वीडियो अब स्टोरी के रिलेटेड ही होने वाले, मतलब पूरा रोब्लॉक्स सीरीज बस स्टोरीज के होंगे। तो अभी हम खेलने वाले पेट स्टोरी वो कोई हॉरर स्टोरी नहीं होने वाला है। तो अभी हम लोग एक ट्रक सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें हम लोग निकलेंगे उस स्टोरी के अंदर। तो हमने ट्रक ले लिया है और हम लोग जितने बहुत सारे प्लेयर्स अभी आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे। तो अभी फिलहाल बहुत सारे पेट्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप देख सकते हो, और अभी गेम शुरू हो जाएंगी। और गेम शुरू होने में लोडिंग का क्यों टाइम लगता है? तो हाँ, अभी गेम शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी एक वीडियो चालू होगी जो हम स्किप नहीं कर सकते थे, तो मैं वीडियो को मतलब कट कर दे रही हूँ। तो अभी हम लोग पेट शॉप के अंदर आ चुके हैं। और हाँ, हे, यू मस्ट बी द न्यू पेट्स, माय नेम इज कैनन लिया। कैसे नाम लगते हैं लोग। आई एम द प्योरेस्ट कुकर यू विल एवर मीट। है अभी प्योरेस्ट कुकर मतलब क्या होता है? दिस इज व्हाट ह्यूमन कॉल एडॉप्शन सेंटर। यू आर रिसर्च्ड बाय सुजी, शी इज द ह्यूमन इन द काउंटर। अभी थोड़ी देर के लिए इसकी बातों को इग्नोर मारते हैं, बहुत पका हुआ है ये। शी डजंट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, बिलीव मी वी आर ऑलरेडी ट्राइड। हाँ, कुत्तों की भाषा तो ह्यूमंस को समझ नहीं आती थी, इतना तो सबको ही पता होगा ना। तो अभी फिलहाल मैं तो टॉयस के साथ खेल ही लेती हूँ और सोने से बने बोन्स कलेक्ट करती हूँ। बट शी टेक गुड केयर ऑफ अस। लायर, ह्यूमन आर डिस्कस्टिंग। अब तुम कुछ ज्यादा नहीं बन रहे हो। हाँ, अब मेरा गुस्सा उतरा। दैट स्लाइसर, stay away from that dog, he is in a cage from a reason. अरे मैंने केज खोल के तो उसको मारा था। You will be here forever just like me. यार स्लाइसर कितना रूड है। I heard they are going to take him too. अब कैनेलिया और स्लाइसर के अंदर लड़ाई होने वाली है। The daily shelter, once a pet goes in there it never come back. वो मैंने कल से सूजी को गिरा दिया। बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ऑलवेज हैव सम फन। सूजी सेज वी कैन वॉक अराउंड एंड एक्सप्लोर द प्लेस। लेकिन कैलेनिया तो एक डॉग है और मतलब सूजी तो एक ह्यूमन है, फिर भी वो कैलेनिया कैसे समझ सकती है उसकी लैंग्वेज? लेकिन सूजी तो कैलेनिया की लैंग्वेज नहीं समझ सकती, मतलब डॉग्स की लैंग्वेज तो नहीं समझ सकती। कुछ अलग ही लॉजिक लगा के रखा है यार। तो अभी फिलहाल मैं सोने के बने बोन्स यहाँ पे कलेक्ट कर रही हूँ, मतलब गेम खेल कर। ए कार अराइव्ड, समवन गेटिंग अडॉप्टेड। प्लीज जो भी हो मुझे मत ले जाना। ऑलराइट बडी, वी गॉट ए विजिटर। यार मुझे मत ले जाओ। रिमेम्बर टू बी ए गुड पेट। अरे मैंने बोला मैं मुझे नहीं जाना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एक ओल्ड लेडी आ रही है पेट्स खरीदने। गुड मॉर्निंग सेटी। अच्छा ठीक है, मुझे मत उठा के ले जाना। माय नेम इज गर्टेनिया डेज, बट यू कैन कॉल मी ग्रैनी। लेकिन इन्होंने वाई को हटा के आई क्यों कर दिया? वेल हेलो ग्रैनी, वुड यू लाइक टू अडॉप्ट ए पेट टुडे? श्योर थिंग, आई लव पेट्स। ऑसम, फॉलो मी देन। That's Kalenia. She is super friendly and careful. That's her. Have Marky 100. If needs exercise and love, like to play. That's Twink 1. It is very sensitive. Has a lot of energy. This is Yas Funland, man. ड्रिंक्स फ्रॉम द टॉयलेट एंड ईट एस। अब सुसी तुम कुछ ज्यादा नहीं बन रही। दैट्स लेजेंडरी, दिस इज एंड दैट्स याना वेंडोर, दैट्स लंकी, दैट्स लाइजर, दैट ऑल वी हैव फॉर नाउ, दे आर सो ब्यूटीफुल, व्हिच वन वुड यू लाइक टू टेक होम?
फिर वो ग्रैनी हम सबको ले चली गई। फिर हम सबको एक ट्रक में बैठा दिए गए, मतलब ट्रक तो नहीं, एक छोटी सी कार टाइप की है, ट्रक नहीं है। फिर हम लोग बैठ कर सब निकल पड़े। फिर हम लोग एक सेकंड में उनके घर में भी पहुंच गए। वेलकम होम। ठीक है, मैं अब ग्रैनी को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लूंगी घर को। फिर इस सीन में मुझे लगा कि ये एक हॉरर होने वाला है, लेकिन नहीं, बस रात हो गई थी और ग्रैनी सोने जाने वाली थी। तो ग्रैनी अपने बेड में तो सो ही रही थी, तो मैंने सोचा ग्रैनी के साथ मैं भी सो जाती हूँ। द हाउस गेट इन्फेस्टेड बाय कॉकरोचेस। कॉकरोचेस, ईयू। अब हमारी ड्यूटी है कॉकरोचेस को मारने की। यार सब स्टोरी गेम में ही हमें एक ना एक तो काम करना ही पड़ता है यार। इसे मतलब छोटे से होल से कॉकरोच निकल आया है यार। यार ये कैसा कॉकरोच है छोटा सा। अब मुझे इस कॉकरोचेस को मारना पड़ेगा। बस कुछ कॉकरोचेस है और ये पूरा घर मतलब भूकंप से हिल रहा है। वाओ, You really killed all the cockroaches. What is all that noise? अब मैं स्लाइसर जैसे ही केज में बंद हो जाऊंगी, सब पता है। ग्रैनी इज मैड। ग्रैनी पागल मत हो, मैं आपके लिए डांस भी करूंगा, प्लीज पागल मत हो। फिर हम लोग सो गए। Well, we are stuck in the house now. Haha, stuck? You are even can't hunt. यहाँ का सबसे पागल कैरेक्टर है पिजन। You don't have anything better to do? Go hunt a rubber duck. Haha. और कुछ काम धंधा नहीं है क्या पिजन को? We should teach that thing a lesson. जो भी है, कैलेनिया ने तो बहुत अच्छी बात बोली। अब मुझे पिछले गेमों की तरह वापस वोट करना पड़ेगा। Go after the pigeon or ignore the pigeon. मैं तो go after the pigeon करना चाहूंगी। Let's try unlocking the window. मतलब हमें विंडो तोड़ कर अब निकलना पड़ेगा। फिर क्या हम लोग निकल पड़े विंडो तोड़ कर। You know I was not being serious, right? You religious, how much in trouble you are, right? हाँ, not as much as you are. और सीढ़ी से हम लोग नीचे जाने वाले थे, लेकिन हम लोग कचरे के डिब्बे में गिर गए। मुझे पता है ये सब स्क्रिप्टेड है। What just happened? Are we at the dump yard? नहीं, तेरे चाची के घर में। Why did we go after the pigeon? Ah, such a dumb idea. And a way to leave this place. We need to get back home. अभी मुझे जाना पड़ेगा चाबी ढूंढने। एक मिनट, यहाँ पे तो एक छोटा सा घर बना हुआ है। This door is locked. If we find the key, we can open the gate. अरे भाई, मुझे घर जाना है, इस door को open नहीं करना। I found it. इसको मतलब की भी मिल गई। एक मिनट, अरे माउस लेके भाग गया मैं, इतनी स्लो क्यों हूँ यार। हे, वी नीड दैट। नहीं, हमें बाहर जाने का रास्ता चाहिए था, वो की नहीं। हो यू वांट दिस? अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें बस निकलने का रास्ता चाहिए। लेट मी टेल यू, माई फैमिली इज रियली हंग्री, मतलब ये हमें खा जाएंगे। And we could use some food. You know that what I'm saying? हाँ, पहले ही पता चल चुका है तुम मुझे खाओगे। Well, are we the food? अरे कैलेनिया ने तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। अभी चूहों को मार के दिखाता हूँ।
वैसे हमारा काम तो चूहा मारना नहीं था, बिल्लियों का काम तो चूहा मारना था, हमें क्यों दे दिया चूहा मारने को। और फिर मैं चूहों को मारने लग गई, लेकिन चूहों ने मुझे ही मारकर मुझे ही खाना बना लिया। तो या हमेशा की तरह मैं गेम के बीच में बढ़ गई, और साथ ही साथ मैं इसका पार्ट 2 नहीं लेने वाली। बाकी सब की तरह तो दैट इट इज फॉर टुडे। लाइक सब्सक्राइब बाय।